हे गाइस, वेलकम टू टुडेज फूड विद प्रिया। आज हम ओट्स की रोटी बनाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप ओट्स लिए हैं जिन्हें हम मिक्सर जार में डालेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह की मैंने इसकी पाउडर बना ली है। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और इसे मिक्स करके पानी डालेंगे। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे सीधा पैन में डालते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सौ का पैन लिया है। इसे हम घी या बटर कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं। सीधा हमारा जो बैटर है वो डाल देते हैं। वो अपने आप से जितना फैल जाता है उतना उसे फैलने देना है। अब हम इसे मीडियम टू लो हीट पे अच्छे से पकने देंगे। जब एक साइड इसकी पक जाएगी तब हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से पकने देंगे। जिसे आप हेल्दी सब्जी के साथ खा सकते हैं। ओट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड माना जाता है, तो अगर आप रोटी बनाते हैं तो ओट्स टेस्टी भी बन जाएंगे। और देखिए, हमारी मज़ेदार ओट्स रोटी तैयार है। आप इसे हेल्दी सब्जी बनाकर खा सकते हैं उसके साथ, या फिर किसी अचार के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगी। अगर आप ओट्स में कुछ कॉम्बिनेशन चाहते हैं, कुछ अलग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।